हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलीशियस स्नैक्स की रेसिपी। आप इस स्नैक्स को कभी भी बना के तैयार कर सकते हो। सिर्फ 10 मिनट में ये बनके तैयार हो जाती है। खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। आप इसे सुबह के नाश्ते में या फिर शाम में बनाकर खा सकते हो। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मधुर वड़े की रेसिपी। तो चलिए दोस्तों, आज की शानदार रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। तो मधुर वड़े बनाने के लिए यहाँ पर एक बर्तन ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा, साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे 1 कप सूजी, और अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 कप चावल का आटा, और साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे 2 कटे हुए प्याज। प्याज को मैंने बारीकी काट लिया है। 1 से 2 हरी मिर्च को भी यहाँ पे काट के हम डाल देंगे। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, तो 10 से 12 यहाँ पे कड़ी पत्ती डाल देंगे, और साथ ही यहाँ पे हम थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल दें। और अब इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पर हमें तेल को गरम करके डालना है। तो तेल डाल के अच्छी तरह अब इसे मिक्स कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हम पानी डालेंगे और इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। यदि आपने इसे कभी ट्राई नहीं किया दोस्तों, तो जरूर करें, बहुत ही डिलीशियस बनती है ये। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से इसे मिक्स कर लिया दोस्तों, और आप इसे हम कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट में ये जो सूजी यहाँ पे मैंने डाला है वो अच्छे से फूल जाएंगे, इसीलिए आप इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुका है दोस्तों। तो चलिए अब इसके वड़े बनाते हैं। तो इसे हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार, और अब इसके हम वड़े तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर बड़े को हम टिक्के के साइज में बनाएंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे, ज़्यादा मोटा भी नहीं करेंगे, और इसे तुरंत ही हम तेल में डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही तेल गरम करके रखा था। अब मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। इस तरह से आप हाथ में बड़े को लीजिए और तुरंत ही यहाँ पे तेल में डाल दें, और लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह इसे गोल्डन ब्राउन होने तक चारों ओर से फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम में बिल्कुल भी फ्राई नहीं करिए दोस्तों, वरना ये बाहर से अच्छे से गोल्डन तो हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे ही रह जाएंगे, इसीलिए आप इसे लो टू मीडियम में अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो इस तरह से हम सारे बड़े को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे बड़े जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब इसे हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हम सारे बड़े को फ्राई कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों, कितना ईजी और कितना सिंपल है मधुर वड़े बनाना। इस स्नैक्स को आप ऐसे ही खा सकते हो, फिर आप इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। यकीन मानिए दोस्तों, ये मधुर वड़े आपको और आपके परिवार को बहुत ही पसंद आएगी। तो मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं अंदर से भी अच्छे से ये पक चुकी है, और ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुई है दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, तैयार हो चुका हमारा हेल्दी एंड टेस्टी मधुर वड़े। तो आशा करते हो ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही रेसिपी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार रेसिपी के साथ।